गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को नमस्कार आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर और मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के सामने दिल से आपका स्वागत करता हूं पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग ठाकुर आशुतोष ललित मोहन हेमंत राहुल पृथ्वी हनी प्रियंका सत्यजीत गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग चंदन गुड मॉर्निंग विपिन संजीत विवेक जितेश गुड मॉर्निंग विपिन योगेश वेरी नाइस और इतनी स्पीड से तुम्हारे नाम आ रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ गुड मॉर्निंग सुप्रभात कैसे हैं आप सभी शिकारियों हैं जी सब बढ़िया भाई बढ़िया चल रही है भाई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या नहीं ओ अलकायदा आ जाओ आ जाओ सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से आ जाओ भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन मैं हाथ इसलिए गर्म कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारा पढ़ाना है आप लोगों को शाबाश मैं बिल्कुल ठीक हूं मेरे बच्चे आप कैसे हैं सभी बारिश यहाँ नहीं हो रही है बेटा अब की बार सी पी ओ पार गुड मॉर्निंग सागर गुड मॉर्निंग द्विज गुड मॉर्निंग जय हैप्पी प्रखर निधि अभिमन अभिनंदन गुड मॉर्निंग चलो भाई सभी का स्वागत है सबके नाम ले लिए सबकी राम राम हो गई है और समय हो चुका है नौ बजकर उन्नीस मिनट और 28 जुलाई 2020 मैं आपके सामने पढ़ने पढ़ाने के सफर को शुरू करना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन आइए शुरू करते हैं सफर को पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने नाउन में यूनिट से संबंधित बात की थी क्या मैं ठीक कह रहा हूँ पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन में यूनिट से संबंधित बात की थी ठीक है ना तो अगर मैं आप लोगों से पूछने का काम करूं अगर मैं आप लोगों से पूछने का काम करूं वन फिफ्थ कहने का चाहिए हमें आंसर या वन फिफ्थ कहने का हमें चाहिए आंसर आगे इज कहने का आंसर चाहिए या आर कहने का आंसर चाहिए एक बार मुझे बता दो फटाफट से <गण> रवि पूछा नाउन खत्म हो जाएगा गुरु जी आज नाउन खत्म हो गया बेटा नाउन नहीं आपके लिए पूरा सिलेबस खत्म हो गया आप आराम करें आपके लिए इंग्लिश खत्म हो गई है ठीक है चलो आप सो जाओ बेटा दुनिया चाहती है कि टीचर पढ़ाई इनको नाउन खत्म करने पे लगे रहना है भगवान इनकी आत्मा को शांति दे कल की क्लास में हम लोगों ने इसे कौन से फ्रैक्शन के नाम से पढ़ा था बताओ जरा नमस्कार बेटा नमस्कार श्याम अब इस लिखी हुई बात को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या नाम से यूनिट फ्रैक्शन है ना बच्चों तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब अगर न्यूमरेटर वन है तो डिनोमिनेटर भी सिंगुलर और आने वाली हेल्पिंग वर भी सिंगुलर कोई नई बात तो नहीं है भाई है ना अगर मान लो इसी लिखी हुई बातचीत में मैं अगर मान लो छोटी सी बात करना चाहूँगा अगर मान लो मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ ट्वेंटी वन तो 21 होने की वजह से फिफ्थ को आप चुनते और आर को चुनते ऐसा ही होता ना बच्चों तो समझ में आई है तो कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं थी बहुत सिंपल बातें थी हम आप थोड़ा सा सफर आगे तय करना शुरू करते हैं मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे बच्चों ठीक है ना मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जहां आप लोगों के साथ जहां आप लोगों के साथ नाउन की शुरुआत होती है वहीं से आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी शुरू हो जाता है तो इसे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम कर लीजिएगा फाइन अपनी चॉइसेस फटाफट से मार्क करो भाई फटाफट से लिखे हुए ना इन सेंटेंसेस में बच्चों लिखे हुए ना इन सेंटेंसेस में थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा अपनी अपनी चॉइसेस मार करो फिर लॉजिक बनाने का काम करेंगे ठीक है ना भाई बेटा वो कैब की तो सारी वीडियोस देखनी है बजरंग अब इस पर काम कर लो जो पढ़ा रहा हूं प्लीज जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तब प्लीज कमेंट्स पर ध्यान मत दिया करो ठीक है बेटा सो नाइस ऑफ यू शेखर आप जब इन सभी के सभी सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के पीछे क्या कहानी छिपी है और बच्चों ध्यान से समझने का काम करते हैं आप अगर इसे थोड़ा सा गहराई से समझने का काम करोगे बच्चों तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक तरफ लिखा है स्टूडेंट्स एक तरफ लिखा है दिस क्लास और इसके ठीक बीच हमें लिखा हुआ नजर आता है एक ही शब्द जिसे हम कहते हैं बच्चों प्रेपोजिशन क्या कहते हैं प्रेपोजिशन तो सवाल क्या है खेल क्या है ध्यान से समझने का काम करना ठीक है बच्चों सबसे पहली बात हमें यह समझाने की कोशिश करनी है भाई कि अगर हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं मैंने कहा क्या है ध्यान से सुनना जब हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रेपजिशन से जोड़ने का काम करते हैं जब हम प्रेपजिशन से दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं बच्चों तो आने वाली जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है आने वाली जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं ठीक है भाई फिर से सुनिए मैंने क्या कहा जब हम दो अलग अलग फिर से सुनना जब हम दो अलग अलग सेंटेंस के सब्जेक्ट्स को प्रेपजिशन से जोड़ने का काम करते हैं तो हम प्रेपजिशन से जोड़ने का मतलब क्या समझ में आया कि हम हमेशा पहले सब्जेक्ट के साथ या पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्क का यूज़ करते हैं ठीक अब अगर इस हिसाब से हम देखने का काम करते हैं तो बात ये समझ में आई स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास तो ये हमारे सामने सब्जेक्ट वन रहा ये लिखी हुई प्रेपोजिशन है ये रहा सब्जेक्ट टू तो सब्जेक्ट वन स्टूडेंट्स लिखा है इसी की वजह से हमने क्या यूज किया आर ठीक है ना कई बार हम लोगों से ये गलती होती है कई बार हमसे ये गलती होती है और गलती क्या है हमें ये दिखाई देता क्लास लिखा उठाकर इज लगा दो हाँ है ना हम लोगों से गलती क्या होती है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए नज़र आते हैं प्रेपोजिशन से जुड़े हुए तो हम लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वब लगाते हैं ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और बच्चों इसी एरर को पूछा जाता है किस नाम से एरर ऑफ प्रोक्सीमिटी इसे हम पूछते हैं एरर ऑफ प्रोक्सीमिटी प्रोक्सीमिटी का मतलब होता है बच्चों नियरनेस प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जितना नजदीक होता है वो उतना ज्यादा कंफ्यूज करता है ठीक है जी जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब के जितना नज़दीक होता है वो उतना ज्यादा कंफ्यूज करता है तो इसी वजह से ये जो एरर है हमारा इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रोक्सीमिटी तो नजदीक वाले सब्जेक्ट से लेना देना ना रखें कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक काम करती है क्वेश्चन नंबर टू पर बताने की कोशिश करेंगे हम ये लिखा है द प्रॉब्लम सब्जेक्ट वन रहा प्रेपोजिशन सब्जेक्ट टू रहा तो इस सिलसिले में सब्जेक्ट वन सिंगुलर देखते हुए ही हम लोगों ने क्या मार्क किया बच्चों इज ठीक है अगले सवाल को देखते हैं लिखा द थियरीज ऑफ दिस साइंटिस्ट आगे लिखा है हैव कंफ्यूज्ड अस। आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है थियरीज सब्जेक्ट वन ये लिखा प्रेपोजिशन सब्जेक्ट टू तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब समझ में आया कि अगर हमारा सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो प्लूरल के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे भाई यहां तक की बात अपने पल्ले पड़ गई है ठीक है अब आओ बेटा क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स हमें क्या समझाना चाहता है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करते हैं सेंटेंस नंबर फोर्थ को एक बार बड़े ध्यान से पढ़कर देखो ठीक है सॉरी सेंटेंस नंबर फोर्थ को एक बार ध्यान से पढ़कर देखो क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हो बच्चों तो क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हो ठीक से सुन पा रहे हो भाई हेलो 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 क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हो ठीक से सुन पा रहे हो भाई क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हो ठीक से देख पा रहे हो कोई दिक्कत घबराहट चिंता जी घबराना उल्टी पड़ना सिर चकराना खट्टा खाने का मन करना पेट में दर्द होना सिर दर्द होना नाक बहना हाँ भाई कोई परेशानी तो नहीं है Osionfish. चलो ठीक है अब आगे चलते हैं चीज़ों को समझाने के लिए ठीक है हमारे सामने क्या लिखा हुआ है एक बार चीजों को समझने का हम काम करते हैं हमारे सामने लिखे हुए बच्चों हमारे सामने लिखे हुए इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह यहाँ लिखा है पेजेस यहाँ लिखा है पेजेस कहानी क्या बन गई कहानी ये बन गई जब हम किसी एक ही नाउन को जब हम किसी एक ही नाउन को प्रेपोजिशन के बाद फिर से लिखने का काम करते हैं मैंने क्या कहा जब हम किसी एक ही नाउन को लेडीज एंड जेंटलमैन जब हम किसी एक ही नाउन को प्रेपोजिशन के बाद फिर से लिखने का काम करते हैं तो बात यह समझ में आती है कि नाउन रह ही गया एक है भाई जब किसी नाउन को आप लिख भी रहे हो उस प्रेपोजिशन के बाद भी तो कहानी क्या कहती है इन दोनों के दोनों नाउन को हम हमेशा यूज करते हैं किस तरीके से सिंगुलर और इसी की वजह से आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रखते रखते हैं हैं बच्चों सिंगुलर ही वेरी सिंपल एक ही नाउन को जब बार बार आप लिख रहे हो तो नाउन भी सिंगुलर रह गया और उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही हो गई ठीक है भाई अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है पेजेस आफ्टर पेजेस ना जी ना इसे ठीक किया जाए पेज आफ्टर पेज और आगे भी बात क्या कहोगे सिंगुलर इज समझ गए भाई क्लियर है अगली बात को समझने का काम करते हैं बेटा ठीक है अगली बात को समझने का काम करते हैं लिखा है डोर्स टू डोर्स ठीक है तो इसे ठीक करने की जरूरत है एक ही नाउन को रिपीट करना है सिंगुलर रखें डोर टू डोर और आगे क्या लिखा जा सकता है इज ठीक है बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं फाइन <coughs> अगले सवाल पर आते हैं लिखा है वर्ड्स टू वर्ड पहले तो इसे ठीक किया जाना चाहिए दोनों तरफ हमारा सिंगुलर चाहिए और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी चाहिए सिंगुलर और यहां पर एक बात याद रखना बच्चों कि वर्ड टू वर्ड कहना गलत होता है क्या होना चाहिए वर्ड फॉर वर्ड ठीक है ना क्लियर है पहली बार इन सभी की सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो यहां तक बात समझ गए भाई चलो तो अब इसी से थोड़ा आगे हम चलने का काम करते हैं कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने एक नियम समझा और वो नियम था बेसिकली यूनिट से संबंधित बात कर रहा हूं मैं हमने समझा फ्रैक्शन के बारे में हाया ना हम लोगों ने समझा किस चीज के बारे में हम लोगों ने पीछे समझने का काम किया फ्रैक्शन के बारे में पिछली क्लास में अब इसी फ्रैक्शन को आगे थोड़ा सा लेकर चलने का काम करते हैं मान लो अगर इसी फ्रैक्शन के साथ में ऑफ लगाकर नाउन लिखने का काम करता हूं तो हेल्पिंग वर्क का क्या करोगे ये सवाल उठ गया ऐसे नहीं समझ आएगा इसे एक काम करते हैं एग्जाम्पल से पेश करते हैं ठीक है ना जी मैंने आपके सामने लिखने का काम किया वन टेंथ ऑफ वन टेंथ ऑफ क्या लिखू मेरा मन क्या करे मेरा मन करता है चलो एक काम करता हूं वन टेंथ ऑफ फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स आगे क्या करूं इज या आर सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हां जी बाबूजी मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है इसे देखकर बताओ जरा सोचकर बताओ चलिए मैं एक और सवाल फिर से लिखने का काम करता हूं जैसे मैंने कहा लैंड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इज आर माइल्ड एक बार बताना बच्चों इस सेंटेंस में क्या यूज करोगे फटाफट से बताओ जरा मुझे अब अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ को ध्यान से समझना होगा मेरे प्यारे साथियों हम लोगों को एक चीज़ को ध्यान से समझना होगा इस ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑफ पजेशन बताने का काम कर रहा है हाँ या ना यहां पर ये यह जो ऑफ है पजेशन बताने का काम कर रहा है ठीक है ना लेकिन अगर इस ऑफ को अगर हम समझने का काम करते हैं तो इस ऑफ को समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा गणित पर लेकर चलना होगा आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन नाम की एक चीज पढ़ी है जिसे आप जानते हैं बॉडमास से क्वेश्चन सोल्व करने सीखे हैं कुछ याद आया तो बोर्ड से क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो बी का मतलब हुआ ब्रैकेट कुछ याद आ रहा है भाई बी का मतलब हुआ ब्रैकेट बच्चों इस ओ का मतलब समझ में आता है ऑफ ऑफ कहने का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई डी का मतलब हुआ डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन कुछ याद आया भाई आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन वाली बातचीत की बात कही थी हाँ या ना है जी बच्चों तो आप लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन की बात कही है कुछ याद आ रहा है भाई है हाँ ना सिंप्लीफिकेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस ओ का मतलब क्या याद आया आप लोगों को इस ओ का मतलब याद आया ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन यही हुआ ना भाई साहब अब अगर हम यहाँ पर ओ का मतलब मल्टीप्लीकेशन समझते हैं तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि यहां इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये पोजेशन की बात कर रहा है है हाँ ना इसी वजह से लैंड की वजह से हम लोगों ने यहाँ को यूज किया कहानी खत्म हुई लेकिन अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं यहां पर इस ऑफ का मतलब इनफैक्ट क्या निकल कर आया है मल्टीप्लीकेशन तो चलो अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं वन टेंथ का मतलब वन अपॉन टेन हुआ ठीक है भाई आगे लिखा हुआ है फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स ये लिख दिया मैंने आपके सामने फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स अब बेटा इसको अगर सोल करके देखोगे तो जीरो से जीरो माइनस मतलब कट गई है यहां पर आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया फिफ्टी स्टूडेंट्स अब इस फिफ्टी स्टूडेंट्स के मुताबिक आप क्या यूज कर रहे हो आर यूज कर रहे हो कहानी समझ में आई भाई हाया ना यहाँ तक कहानी समझ में आई भाई ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है इसी सवाल को एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं इसी सवाल को एक बार फिर से लिख के देखते हैं मैंने कहा वन टेंथ ऑफ द वर्क इज आर ठीक है ना आगे सेंटेंस में जानबूझ कर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअल चलना है मुझे आपको ज्यादा सेंटेंसेस पर भी उलझाना नहीं है तो इस सेंटेंस को सोल्व करके देखते हैं वन टेंथ का मतलब तो यही हुआ बच्चों ऑफ़ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ द वर्क वर्क का कोई आंसर लिखा ही नहीं जा सकता है हाँ ना वर्क की वैल्यू रखी नहीं जा सकती है हाँ ना अब वर्क की वैल्यू अगर नहीं रखी जा सकती इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन होना संभव है या नहीं बिल्कुल भी ये संभव नहीं है इसकी कैलकुलेशन यानी कि इसका आंसर निकालना ही अगर पॉसिबल नहीं है तो अगर आंसर नहीं निकलता तो हम क्या मानकर चल रहे हैं सिंगुलर मानकर चल रहे हैं अब यहां से हमारी थियरी में क्या चीज आ गई यहां पर हम लोग वन टेंथ के मुताबिक हेल्पिंग वर्ग यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहां पर हेल्पिंग वर्व यूज कर बैठे किसके अकॉर्डिंग फाइव स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के मुताबिक यहाँ पर आर हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स को उठाकर वर्क लिखा तो इज लिख दिया है हाँ ना बात समझ में आई तो यहां तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक हमारे सामने तैयार हो गया ठीक है अब बिल्कुल सिंपल लॉजिक क्या तैयार हुआ कि जिस तरह का नाउन लिखा है उस तरीके की हेल्पिंग वर्ब इस नाउन के मुताबिक ही इस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे अगर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा लो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो भाई साहब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा लो यहाँ पर लिखा मिल रहा है अनकाउंटेबल नाउन तो भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा लो कहानी खत्म हो गई बात समझ में आ रही है बात समझ में आ गई भाई जी बिल्कुल ईशा जी यहाँ पर इसे सोल्व करके समझ में आएगा क्योंकि उस ऑफ का मतलब और इस ऑफ़ का मतलब दोनों में फ़र्क है ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं भाई हाँ तक की अगर बात समझ में आ गई तो मेरे बच्चों अब थोड़ा सा इसी चीज को आगे समझते हैं यानी कि फ्रैक्शन की अब वैल्यू नहीं रही है क्यों क्योंकि इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन इसीलिए जैसा नाउन वैसी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ तक की बात समझ में आ गई है अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आओ अब थोड़ा सा और आगे दूर ले चल लेता हूँ आप लोगों को ठीक है भाई थोड़ा सा और आगे लेके चल लेता हूँ मेरे बच्चों आप लोगों को ठीक है अब एक दूसरा सवाल पेपर हमसे पूछ लेता है और दूसरा सवाल क्या है देखो बच्चों दूसरा सवाल ये आ गया हमारे सामने कि अगर मान लो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को नजर आए न्यूमैरल क्या लिखा हुआ नजर आए अगर हमारे सेंटेंस के अंदर आई लव यू मेरे बेटा पढ़ ले मेरे भाई इस उम्र में पढ़ते हैं आई लव यू आई लव यू ना बोलते कल को आप मुझे मत बोलना भाभी को बोलना आई लव यू ठीक है ना भाभी क्या मेरी तो पुत्र वधु लगेगी ठीक है ना भाई ठीक है अब देखो ध्यान से इस न्यूमेरल का मतलब होता है जो संख्या बताने वाला शब्द है ठीक है जो संख्या बताने वाला शब्द है वो कैसे काम करता है ठीक है भाई हमारे सामने लिखा हुआ जो सेंटेंस है एक बच्चा है पता नहीं ये दिमाग रखता है या नहीं रखता है दिमाग भगवान इसकी आत्मा को शांति दे इस लड़के का नाम अमित है और आज हम इसे मूर्खानंद की उपाधि देते हैं ठीक है और हम इसे छप्पन थप्पड़ लगाने का इनाम देते हैं इसका सवाल देखो इस मूर्ख इंसान ने कहा है ऑफ स्टूडेंट्स का क्या करोगे सर इज़ यूज़ करोगे या आर यूज करोगे ये सवाल पूछा है परम पूजनीय अमित नाम के बहुत बड़े मूर्ख ने ठीक है अगर आपके जीवन में कुछ बचा हो तो एक बार ऐसे मूर्ख का नाम जरूर ले लेना इसके बाद आपको अपने जीवन में किसी चीज से नफरत नहीं होगी ठीक है बेटा अरे गधे इंसान पहले दिमाग तो लगा तो जो पूछ रहा है क्या वो पूछने की सेंस है लो जी इस मूर्खानंद वाली लिस्ट में एक और लड़की शामिल हुई है इसका नाम निधि है भगवान इन दोनों की आत्माओं को शांति दे ठीक है भगवान इन दोनों इंसानों की आत्मा को शांति दे ठीक है ना क्योंकि ये गधे समाज के प्रधानमंत्री है अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है फ्रैक्शन में तब लगाऊंगा जब मुझे किसी हिस्से को निकालने की बात कही जा रही हो मैं थप्पड़ मार दूंगा खींच के फेंक के बेवकूफ इंसान तुम एक बात तो बताओ वन टेंथ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इधर लिख दिया हमने टेन स्टूडेंट्स ये इससे कट गया आ गया मेरे सामने रिजल्ट वन स्टूडेंट तुम लोगों ने इतना बड़ा गधे पने का काम किया है एक बात तो बताओ ना नालायक इंसानों ये सारी बकवास लिखने की क्या जरूरत है जब तुम कहना ही एक स्टूडेंट के बारे में चाह रहे हो तो इतनी सारी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है कुछ भी <laughs> इन सब को उबाल के फिनाइल पिलवाओ ठीक है ना ये होते हैं सर जो मतलब दिमाग में प्लास्टिक के कीड़े घूम रहे होते हैं ये कोई सवाल हुआ वन टेंथ ऑफ टेन स्टूडेंट्स क्या गणित इस सवाल को मानेगा वट अट नाइट मतलब वट नाइस जोक बताओ बदतमीजी की भी हद होती है अरे भाई तुम ये जो कह रहे हो चलो तुम्हारे दिमाग के अंदर कीड़े उछल रहे हैं मैं मान चुका हूं तुम सोच करते देखो कि क्या इसकी कहने की कोई सेंस है क्या इसके कहने की कोई सेंस है क्या इस कहने, कहने की कोई सेंस है ही नहीं क्योंकि इनफैक्ट जो आप कहना चाहते हो वो वन स्टूडेंट है तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है पता नहीं कहां से दिमाग लेकर आते हो कुछ भी सोचने में लगे पड़े हो मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं पर इतनी तो कॉमन सेंस आपके अंदर है पता नहीं कहां से लाते हो भाई फर्जी बातें <coughs> अगर ऐसा हो जाए तो सर अगर ऐसा हो जाए कि कुतुब मीनार आसमान में उड़ने लग जाए तो चीन वाले अटैक करेंगे हम पर मतलब फर्जी बातें कुछ भी सोचने लगे जाते हो बेटा निधि आप एक काम करो थोड़ा चवन प्राश खाओ ठीक है ना हाँ उससे होगा कुछ नहीं पर आपको धोखा हो जाएगा कि दिमाग चल रहा है फर्जी बातें कुछ भी अब देखो हम लोग बच्चों अगली बात को समझने का जो काम कर रहे हैं वो क्या लिखा है नुमरल ठीक है ना आपका सवाल पूछना वाजिब होता है लेकिन पहले ध्यान से सोचो तो सही कि जो तुम पूछना चाह रहे हो जो तुम पूछना चाह रहे हो क्या उसमें सच में कोई पूछने लायक बात है या फिर कुछ भी हो गया है दिमाग में कि कुछ भी पूछ बैठे कुछ भी दिमाग से सवाल उठने लग जाए तो फिर वो बात गलत होती है ठीक है ना बेटा आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है और पढ़ाते वक्त ना बच्चों एक बहुत प्यारा सीक्वेंस बना हुआ होता है फाइन सीक्वेंस बना हुआ होता है और सीक्वेंस को डैमेज मत किया करो ठीक है ना आप खुद से सोच कर देखो जो पूछ रहे हो वो सेंसिबल है क्या अच्छा अब आओ अगली बात पर बच्चों ये लिखा है मैंने क्या चीज़ सबसे पहले न्यूमरल ठीक है सबसे पहले मैंने लिखा है न्यूमरल इस न्यूमरल के ठीक बाद अगर हमें लिखा हुआ मिलता है परसेंट क्या लिखा मिलता है बेटा परसेंट ठीक है भाई ठीक अब इस लिखे हुए पर्सन के ठीक बाद ऑफ आगे अगर लिखा हुआ मिलता है हमें कोई भी नाउन तो सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब का हम क्या करेंगे अरे करना क्या है काम करते हैं एक्सपर्ट लेवल पर काम करना शुरू करते हैं सोल्व करके देखते हैं ठीक है बच्चों चलो मान लो अगर मैं आपके सामने लिखने का काम करता हूं न्यूमैरल हमारे सामने लिखा है न्यूमैरल तो न्यूमैरल के लिए मैंने लिख दिया आपके सामने फिफ्टी और परसेंट ये लिख दिया भाई फिफ्टी ऑफ 500 स्टूडेंट्स आगे क्या चुनाव हो इज या फिर आर ठीक है भाई फाइन मैं काम करता हूं चलो बच्चों इसको सोल्व करके देखते हैं बेटा निधि और जो भी एक लड़का और था जरा दिमाग लगाकर देखना ठीक है मैं इस सवाल को अगर लिखता हूं 50. ये लिखा मैंने आपके सामने 50. पर का मतलब अपोन होता है सेंट का मतलब हंड्रेड हुआ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ फाइव स्टूडेंट्स यहां लिख डाला अब अगर मैं इसको सोल्व करने का काम करूंगा बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करने का काम करूंगा तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ गई हमारे सामने कितने हो गए भाई आपने बताया सर 250 स्टूडेंट्स हो गए तो 250 स्टूडेंट्स के मुताबिक आपने आगे क्या चुनाव किया भाई आर यूज कर लिया कहानी खत्म हो गई या ना कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है बिल्कुल सिंपल सी बात है हाँ ना अच्छा अगर मान लो मेरे दोस्तों मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस में यही लिखी हुई बातचीत में इस फिफ्टी 50 टू फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स को हटाकर अगर आपके सामने लिखने का काम करता हूं द वर्क ठीक है तो क्या सोल्यूशन निकल कर आएगा तो आप सोचोगे कुछ इसी तरीके से और आप यही लिखोगे कि सर 50 ये हो गया पर ये हुआ सेंट हुआ वर्क की वैल्यू हमें पता नहीं तो सोल्व होगा या नहीं होगा जब आपके सामने डेटा इनसफिशियंट है मैथमेटिकल सोच कर देखो अगर डेटा इनसफिशियंट है आपके पास तो क्या करोगे जब डेटा इनसफिशियंट है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप इसे सोल्व ही नहीं कर पाओगे तो क्या चुना इज इस, इसका मतलब वहीं पर पहुंच गए हम कि यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ था तो आर चुन लिया यहाँ वर्क लिखा है तो इज ऊपर वाली बात सामने आ गई अरे हाँ ना बात क्या सामने आ गई भाई कि अगर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है तो भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वर्ब को को चुन लिया, को चुन लिया लिया प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन नाउन लिखा लिखा है है हेल्पिंग अनकाउंटेबल तो भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को चुन लिया अरे भाई हाँ है ना यहां तक बात समझ में आ गई ठीक है भाई अब आप लोगों को ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम लग रही है क्यों क्योंकि फ्रैक्शन और न्यूमरल परसेंट दोनों सेम ही होते हैं आप 50 परसेंट को आप 50 परसेंट को अगर ध्यान से समझोगे तो इनफैक्ट ये फ्रैक्शनल वैल्यू वन अपॉइंट टू ही तो होती है तो जो आपने यहाँ पर लिखा है वही बात तो यहाँ पर है क्योंकि किसी भी न्यूमरल परसेंट की अगर आप बात करते हो तो हकीकत में वो फ्रैक्शन ही तो होता है ज़रा याद करो आपके आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है ज़रा याद करो मेरे बच्चों जरा याद करो स्वास्तिक लिख रहा आप तो गगन प्रताप सर से भी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हो नहीं बेटा मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता मैं सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट कैसे है समझ में आई बात रंजीत कह रहा है विदाउट कैलकुलेशन सोल्व नहीं कर सकते बेटा आप करो ये मूर्खानंद कैटेगरी कौन सी तीन तीस तीन हो गए ना आज हमारी क्लास में तीसरा आ गया है बिना कैलकुलेशन आप गधे कहीं के मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट कैसे बनता है तू सोच रहा है, मैं यहाँ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं मुक्का मारूंगा खींच के ठीक है ना यहाँ तक समझ में आई बेटा बात कोई दिक्कत तो नहीं भाई चलो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं फ्रैक्शन को लिखने का ही तरीका न्यूमरल परसेंट है आप कोई भी कोई भी न्यूमरल के साथ लिखे परसेंट को सोल्व करके देखो वो अपने आप में फ्रैक्शन कैटेगरी में ही बदल जाता है ठीक है भाई यहां तक की बात समझ में आ गई ठीक है थोड़ी देर पहले दो बच्चों को मैंने इसलिए डांटा क्योंकि फर्जी सवाल क्यों दिमाग में आए क्यों आप गलत सोचने का काम करें अब आप में से कोई नालायक इंसान अगर यह कहने की कोशिश करें कि सर अगर मैं कहना चाहूं हंड्रेड परसेंट ऑफ वन स्टूडेंट तो आगे क्या कहोगे इज या फिर आर ये सवाल पूछने का है भाई मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्यों इस चीज के लिए थोड़ा सा डांटने का काम किया क्योंकि हमारे दिमाग में फर्जी सवाल कितने ही आ सकते हैं हमारे दिमाग में फर्जी सवाल कितने ही आ सकते हैं अब अगर मान लो कोई ये सोचना शुरू कर दे कि सर अगर मान लो हंड्रेड परसेंट ऑफ वन स्टूडेंट हो तो क्या तू पहले ये तो बता जो तूने ये कहा है इसका पर्पज क्या है इसके कहने का तो कोई पर्पज ही नहीं है हकीकत में ये कोई फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं हकीकत में ये कोई फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं क्यों हंड्रेड परसेंट हंड्रेड ये लिखा है पर का सिंबल ये रहा और सेंट का मतलब ये रहा कट गया बोल ठीक <laughs> है ये हो गया हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सत्यनाश समझ में आ गई बात ठीक है भाई क्लियर है भाई मीनाक्षी कहती सर मुझे डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं बेटा नहीं होगा सिलेक्शन जब तुम्हें डर ही लग रहा है पढ़ने से तो फिर का, का सिलेक्शन बेटा तुम ये क्यों नहीं सोचती मुझे पढ़ने से मतलब रखना है जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बेटा मीनाक्षी यह चीज आ जाएगी ना कि मुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब है जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है जो सर बता रहे हैं मुझे अच्छे से पढ़ना है उसके बाद सिलेक्शन नाम की चीज कभी घबराएगी नहीं आपके दिल में डरो मत पढ़ते रहो जो चीज हर दिन टीचर आपको कोई भी क्लास आप पढ़े रहे हो कोई भी चीज तो प्लीज पढ़ो उसे समझने का काम करो ठीक है <coughs> आओ अब एक अगला सवाल आता है हमारे सामने मान लीजिए मैं इस न्यूमरल को हटाकर सिर्फ परसेंट की बात करना चाहूं या सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की अगर बात करना चाहूं आगे लिख दिया मैंने आपके सामने नाउन तो भाई हेल्पिंग वर्ब का क्या करोगे मैंने क्या कहा करोगे क्या, क्या? सोल्व करके देखेंगे ठीक है ना हम सोल करके देखेंगे अपन को कोई टेंशन नहीं किसी भी बात की ठीक है ना टेंशन नहीं लेते हम मस्ती के साथ पढ़ते हैं ठीक है ना भाई साहब मैंने लिखा आपके सामने परसेंट या परसेंटेज ऑफ लिख रहा हूँ एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा द परसेंटेज ऑफ 500 स्टूडेंट्स आगे लिखा इज या आर देखते हैं चलो इसको सोल्व करके ठीक है ना जी हुए अच्छे लगते हो सर थैंक यू सो मच हर कोई इंसान मेरे डांटने को पसंद नहीं करता हर कोई इंसान मेरे डांटने को पसंद नहीं करता क्यों क्योंकि लोगों को सच सुनना पसंद नहीं आता उन्हें झूठ सुनना बहुत पसंद है बात समझ रहे उन्हें झूठ सुनना बड़ा पसंद है कोई बच्चा भले ही कितनी गलती करता रहे है हाँ ना कोई बच्चा कितनी गलती करता रहे लेकिन झूठी झूठी तारीफ से वो बच्चा बर्बाद होता रहे मुझे वो काम नहीं आता बेटा आप गलती करोगे मैं आपको डांट कर समझाने का काम करूँगा क्यों क्योंकि वो गलती आपके दिमाग से निकालनी है सिलेक्शन लेना है यार आपको है ना मेरे बच्चों सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको चीजें समझनी है ध्यान से अब देखो बच्चों मैं यहां लिखा हुआ देख रहा हूं द परसेंटेज ये पर हुआ ये सेंट हुआ ठीक है परसेंट के बिना के वैल्यू हमारे सामने है नहीं आगे लिखा फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स तो ये लिख दिया 500 हंड्रेड स्टूडेंट्स ठीक है भाई जरा इसको सोल्व करके दिखाओगे इस लिखी हुई कैलकुलेशन को जरा सोल्व करके दिखाओगे बेटा लव फ्रॉम रोहतक गुड लल थैंक यू दीक्षा बेटा थैंक यू सो मच चलो हाँ भाई इसे सोल्व कर पाओगे क्योंकि डेटा इनसफिशियंट है अगर आपके पास डेटा इनसफिशियंट है तो आप इसे सोल्व ही नहीं कर पाओगे और जब सोल्व ही नहीं कर पाओगे तो यहां भले ही प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हो चाहे यहां पर मान लो इसकी जगह मैं अनकाउंटेबल नाउन लिख दूं हाँ या ना यहां पर कुछ भी लिख लू सोल्व तो होना ही नहीं है है हाँ ना बच्चों जब यहाँ पर सोल्व ही नहीं होना है कुछ तो बात हमारी क्या समझ में आई बात हमारी समझ में ये आई चाहे यहाँ लिखा हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहे लिखा हो प्लूरल काउंटेबल नाउन कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्व ही नहीं होना तो भाई साहब चुपचाप क्या लगा दोगे सिंगुलर हेल्पिंग लगा दोगे बात समझ में आ गई बेटा अमित चलो एक बार ना फटाफट से देखने का काम करो चलो चलो, चलो फटाफट से हां जी निधि बेटा समझ में आ रही है बातचीत पहले इन तीनों बातों को ध्यान से देखो फिर इन्हीं से मिलते जुलते कुछ और सवाल पर लेकर चलूंगा फटाफट से रिवाइज करो मेरे बच्चों शाबाश <laughs> बहुत अच्छे बच्चे हैं <laughs> बहुत अच्छे बच्चे थैंक यू सो मच निधि कह रही है हमें बुरा नहीं लगा था सर थैंक यू सो मच मेरे बच्चे सिलेक्शन ले जाओगे टेंशन मतलब बस तुम पढ़ते रहो चीजों को समझते रहो ठीक है ना यहां तक बात समझ में आ गई चलो अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो थोड़ी सी बातों को और आगे लेके चल लेते हैं ठीक है भाई इसी तरीके से मेरे बच्चों इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो फ्रैक्शंस नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है जो जो फ्रैक्शन नहीं है लेकिन फ्रैक्शन के लेवल पर ठीक है कुछ फ्रैक्शंस बना दिए जाते हैं आओ थोड़ा सा समझते हैं ऐसी फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आता है सम मोस्ट हाफ हाफ का मतलब वन बाई टू होता है आप जानते हैं क्वार्टर क्वार्टर का मतलब वन बाई फोर होता है या फिर इसी की जगह अगर हम कहना चाहें रेस्ट तो ये सभी के सभी हमने फ्रैक्शंस की कैटेगरी में मान लिए हैं और इनके साथ अगर ऑफ हम लिखा हुआ देखते हैं तो बिल्कुल वही फ्रैक्शन वाले काम को हम आगे मेंशन करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें यहाँ लिखा मिलता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक ठीक है ना तो इसी बातचीत को समझाने के लिए दो सवाल लिख देता हूं बताओ भाई साहब यहां पर इज आर में से एक चुनना है चार सवाल लिखे मैंने आपके सामने इज या फिर आर में से फटाफट से टिक टॉक करके दिखाओ शाबास बहुत बढ़िया भाई थैंक यू सागर बेटा थैंक यू सो मच अब देखो अब सूरज नाम का लड़का लिखा है ज्वेलरी कलेक्टिव नाउन है अब ये है सख्त नशे करने वाले इंसान बेटा ज्वेलरी कलेक्टिव नाउन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है ज्वेलरी कलेक्टिव नाउन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है ठीक है बेटा चलो अब एक एक करके सवालों के जवाब तलाश करते हैं ठीक है तो सवालों में कुछ उलझा हुआ था ही नहीं यहाँ अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए आपने इज इस यूज किया एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए आर यूज किया रोड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए आपने यूज करने का काम किया इस कहानी खत्म हो गई ठीक है भाई यहां तक बात समझ में आ गई थैंक यू बेटा ऋतिक थैंक यू वेरी मच समर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है समर ने सवाल पूछा है चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है शाबाश, बेटा चाइल्ड आपके सामने सिंगुलर हुआ और इसका प्लूरल चिल्ड्रन होता है चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं होता ठीक है चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल होता है यहाँ तक समझ में आ गई बात चीज भाई ठीक है चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चल लेते हैं ठीक है तो ये जितनी भी बात हम लोगों ने समझने का काम किया था ये सारा का सारा हमारा खेल था यूनिट को लेकर ठीक है ना ये सारा का सारा हमारा खेल था यूनिट को लेकर मैं आपके क्वेश्चंस को देखने का तरीका बदल दूंगा यार टेंशन किस बात की है समझ आ रहे बेटा ठीक है सर इस रोहित को जरा हटाना प्लीज हाँ इस रोहित को जरा ब्लॉक करें प्लीज हाँ 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 इसी रोहित को प्लीज परमानेंट ब्लॉक करें प्लीज जी जी सर चलो बच्चों अब ये मेरे सामने एक दो सवाल है इन पर दिमाग लगाने का हम काम करते हैं ठीक है ना जी आनंद पूछता कितने दिन में खत्म हो जाएगा नाउन खत्म हो गया बेटा खत्म हो गया बेटा नाउन अपने घर जाओ आनंद लो बेटा ठीक है हम्म तो बात समझ में आ गई है कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आपको कंसीडरेशन को देखना है इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आपको कंसिडरेशन देखनी है मैं सभी के आंसर्स देख रहा हूं डोंट वरी बच्चों कीप राइटिंग आंसर्स डोंट वरी कविता बता दिया जाएगा थैंक यू प्रिया थैंक यू सो मच भाई अब एक बार इन लिखे हुए आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं हुआ क्या देखो बच्चों सिंपल सी बातचीत है कहने के लिए अगर हम देखते हैं तो ये सभी के सभी जो हाफ हैं ये सभी के सभी फ्रैक्शन का, का काम कर रहे हैं बाकी फ्रैक्शन के साथ जब इस ऑफ का यूज होता है ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है ठीक है भाई और जब ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है मेरे बच्चों ठीक है ये जो मल्टीप्लीकेशन की अगर बात कर रहा है हमारे सामने तो मल्टीप्लीकेशन में कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है हाँ है ना फाइन तो हमारे सामने ये लिखा हुआ जैसा भी नाउन है वैसी ही हेल्पिंग बुक सिंगुलर है तो इज है बुक्स आर है तो प्लुरल है डिस्कशन सिंगुलर है तो इज है चिल्ड्रन अपने आप में अगर बात कर रहा है तो प्लुरल है बात खत्म तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है ठीक है ना जी सुनोगे समझोगे तो उसके बाद अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जो सुनना समझना नहीं चाहता भगवान उसकी आत्मा को शांति दे अब बच्चों <coughs> नाउन की एक अगली कैटेगरी से मैं अब आप लोगों को मिलाने का काम करूंगा और नाउन का ये जो डिस्कशन है ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होगा और नाउन के एक अगले फेज पर हम काम कर रहे हैं नाउन की वकेबलरी ठीक है नाउन के एक अगले फेज पर हम काम कर रहे हैं बच्चों जिसे हम कहते हैं क्या चीज नाउन के एक अगले सेशन पर हम काम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं वकीबलरी और नाउन की ये वकेबलरी है क्या क्या काम करती है आओ इसे समझने का काम करते हैं मैंने आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं इन चार सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करें मैंने आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं इन चारों के चारों सेंटेंसेस को ध्यान से समझें अरे यार मनोज पढ़ाई पे ध्यान लगा ले मेरे भाई क्लास में मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तेरे सवाल आ रहा एग्जाम होगा क्या ये भगवान <laughs> क्लास में पढ़ाई चल रही है यहां पर ये यह सवाल लिख के भेज रहा है एग्जाम होगा क्या ये भगवान इसको कुछ सदबुद्धि दे कब सुधरोगे भाई इसी चीज को कहता हूं बेटा मैं फर्जी कमेंट पढ़ क्या रहे हो दिमाग कहां चल रहा है सोच क्या रहे हो पता ही नहीं कैसे चल रहे हो ऐसे सिलेक्शन ले लोगे आप तो पढ़ाई पे ध्यान लगाना बेटा क्यों फर्जी कमेंट पे लगा पड़ा एग्जाम होगा क्या मेरे हाथ में हो तो कल पेपर ले लू मैं अब देखो बच्चों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से काम करते हैं इन्हें हम कहने की कोशिश करते हैं नाउन ना होकर नाउन इक्वलेंट इन्हें हम कहते हैं नाउन ना होकर नाउन के ये इक्वलेंट होते हैं ठीक है ना जी नाउन ना होकर ये नाउन हमारे सामने क्या हुआ नाउन के इक्वेलेंट हैं अब नाउन के इक्वेलेंट होने का मतलब क्या हुआ नाउन जैसे होकर नाउन के बराबर हो जाते हैं ये ठीक है ना और इस मामले में हमें क्या करना होता है हम लोग मेंशन करते हैं द के साथ हम लोग यूज करने का काम करते हैं क्या चीज एडजेक्टिव ठीक है द के साथ हम यूज करते हैं बच्चों एडजेक्टिव और इस मामले में आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम हमेशा लेकर चलते हैं कौन सी प्लूरल ठीक है हम इनके साथ हमेशा लेकर चलने की कोशिश ठीक है इसे हम कहने का काम करते हैं क्या चीज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अब इस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होने की वजह क्या हुआ क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ मिलता है हमें ठीक है ना ये हमें लिखा हुआ मिलता है ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी किसी ना किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है कि वो लोग जो ऐसे हैं ठीक है वो लोग जो ऐसे हैं एक बार इसे ध्यान से देखने का काम करें ठीक है जी? हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ द रिच इज आर यूजली एरोगेंट वो लोग जो रिच हैं ठीक है ना तो उन सभी की अपनी जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस एडजेक्टिव से तो ये अपने आप में प्लुरल की तरह यूज होता है आर का यूज किया जाए द पुअर इज आर सफरिंग इन दिस लॉकडाउन तो यहां पर वो लोग जो गरीब हैं रिप्रेजेंट करती है उस कम्युनिटी को ल का बात कही जा रही है सेंटेंस आगे देखो द ऑनेस्ट बॉय इज आर रिवॉर्डेड यहां पर बॉय के पहले इस ऑनेस्ट का यूज किया गया है यानी कि बात किसकी बारे में कही गई बॉय के बारे में तो बॉय है तो सिंगुलर हो गया इज की बात कर रहा है लेकिन अगर यहां ध्यान से देखोगे तो द ऑनेस्ट का मतलब तो यानी कि वो सारे लोग जो ईमानदार हैं यहाँ तो किसी एक बॉय की बात कही गई थी इसी वजह से इस को हमने चुना यहां पर ऑनेस्ट का मतलब जितने भी लोग ईमानदार हैं तो जब सभी की सभी

यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है चलो अगर यहां तक बात हमारी क्लियर है तो आओ अब इसी वकेबलरी से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं नाउन की वैकैबलरी का एक अगला हिस्सा आता है हमारे सामने नाउन की एक वकेबलरी का अगला हिस्सा हमारे सामने क्या आता है इसके नाम को थोड़ा सा गौर से देखने का काम करें इसे हम लोग कहने का काम करते हैं स्लैंग देखो बड़े ध्यान से क्या लिखा है मैंने बच्चों इसे हम कहने का काम करते हैं स्लैंग अब कैसे काम करता है ये ध्यान से समझने का काम करें ठीक है ना स्लैंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों थैंक यू प्रगति स्लैंग की अगर हम बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं तो स्लैंग को हम कहते हैं बच्चों नोन Dictionary use of a word पहले जो लिखा है मैंने इसे ध्यान से पढ़कर देखो बड़े ध्यान से पढ़कर देखो नहीं बेटा खुशबू ऐसा नहीं करना है ठीक है ना हाँ जी चलो अब इसको देख लेते हैं बच्चों ठीक है ना जी अब ये लिखा है हमारे सामने नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड किसी भी शब्द का हम ऐसे प्रयोग करें कि डिक्शनरी कुछ कहती है और हम उसका अर्थ कुछ और ही निकालते हैं ठीक है ना जैसे कभी कभी गुस्से में आपने किसी इंसान को कहा है गो टू हेल अब अगर इस हेल की बात हम करते हैं तो बच्चों हेल का अर्थ होता है नर्क है ना जी हेल का अर्थ होता है नर्क है ना भाई अब एक बात तो हमें समझ में आती है बच्चों एक बात तो हमें समझ में आती है कि नर्क नाम की कोई जगह है ही नहीं है ना नर्क नाम की तो कोई चीज है ही नहीं जब नर्क नाम की कोई चीज है ही नहीं ठीक है नरक नाम की जब कोई चीज है ही नहीं तो इंसान जाएगा कहां पर या हाँ ना तो जाने की कोई जगह बची नहीं इसका मतलब क्या समझ में आया आप इस हेल को कहकर इनफैक्ट बोलने की कोशिश कर रहे हो फ्रस्ट्रेशन अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो हाँ ना बात समझ में आ रही है तो इसका डिक्शनरी में अर्थ है नर्क लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस में आप किसी इंसान के सामने गुस्सा दिखा रहे हो कि मेरे सामने से चले जाओ है ना भाई तो इस तरीके से जब हम शब्दों का यूज करते हैं तो शब्दों का इस सेंटेंसेस में ऐसे यूज को ही हम स्लैंग कहते हैं चलो अगर मैं कहने की कोशिश करूं एक सेंटेंस मैंने कहा अच्छा देखो स्कूल में आप पढ़ते थे बच्चों ठीक है ज़रा याद करो स्कूल में जब आप पढ़ते थे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते वक्त आप अक्सर अपने ही किसी फ्रेंड से जब आपकी क्लास मिस हो जाती थी है ना तो आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड से मांग लेते थे कि भाई कल क्लास में क्या हुआ है है ना जी फाइन ठीक है आप देखो ध्यान से आप किसी से मांगते हो आई वॉन्ट योर कॉपी अब ध्यान से कर समझोगे ना बच्चों बेटा प्रदीप ध्यान से समझो अगर आप इसे समझने का काम करोगे प्रिया कॉन्सेंट्रेट करो आप किसी भी इंसान को अगर ये कहते हैं आई वॉन्ट योर कॉपी तो मेरे बच्चों कॉपी का मतलब होता है नकल तो क्या किसी इंसान से आप उसकी नकल मांग रहे हो ये तो सेंसिबल नहीं है तो ये अपने आप में एक स्लैंग हो गया है और इस कॉपी की जगह हम लोगों को क्या कहना होगा इस कॉपी की जगह हमें कहना होगा नोटबुक बात समझ में आ रही है अरे हाँ या ना तो ऐसी चीजें हम लोग बहुत सारी बोलते हैं ठीक है ना जैसे अगर मान लो मैं कहने की कोशिश करता हूं ही इज आर इंग्लिश टीचर ठीक है ना अगर मैं यही चीज कहने का काम करता हूं मान लीजिए अगर मैंने कहा आई हैव आ चाइनीज फोन तो ये बात तो कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक है क्योंकि फोन जिसे बनाया है किसने चाइना ने इसलिए चाइनीज फोन कहना ठीक हो गया लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ही इज इंग्लिश टीचर तो वो टीचर जो अंग्रेजी ने बनाया है ऐसा तो नहीं है भाई साहब मैं तो किसी अंग्रेजी ने नहीं बनाया मैं तो अपने माता पिता की खोज हूं है ना तो ये आप में हो गया क्या चीज ये अपने आप में क्या हुआ ये अपने आप में एक स्लैंग हुआ तो इसका मतलब इसे हमें ठीक करना होगा इंग्लिश टीचर ना कहकर हमें क्या करना होगा टीचर ऑफ इंग्लिश ठीक है ना जी अगर मैं कहना चाहूं जैसे आपने कहा आई लाइक टीचिंग लाइन सर टीचिंग में कोई लाइन थोड़ी मारता है टीचिंग में कोई लाइन मारता है छिछोरी <laughs> हरकत है ये तो टीचिंग लाइन ना कहकर इसे हमें कहना होगा टीचिंग प्रोफेशन आप समझ रहे हैं ये सारे के सारे स्लैंग हैं। डिक्शनरी में इनके अर्थ लाइन का मतलब होता है रेखा बात समझ समझने तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अक्सर देखते हैं कई बार बोलते हैं और इस तरीके की गलतियां आपने कभी किसी इंसान के सामने कहा मीट माई आंटी अरे तेरी जय हो एक बात बता आंट का मतलब ही जब चाची या मामी हो सकता है तो इसमें वाई लगाकर क्यों तू जबरदस्ती कर, कर रहा है तो इतना कह देना काफी है मीठ माई आंट ठीक है जी बात समझने मीट माई आंट डोंट यू एवर से मीट माई आंटी आंटी पुलिस बुला लेगी यार तेरा कर लेगा बदतमीजी है ये भाई साहब और वो भी प्योर बदतमीजी है ठीक है जी तो ऐसे लिखे हुए हमारे सामने सब के सब अपने आप में नॉन बन जाते हैं इन्हें समझने का काम किया करो बच्चों ठीक है जी अच्छा भाई ऐसे और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं ठीक है भाई इस हेल से मुझे याद आ रहा है आप कभी कभी बोलते हो वट दल Is going on here. कुछ लोग गलत समझ गए होंगे हो सकता भावना है भावनाएं उनकी खतरनाक हो बोलते नहीं हो आप कभी किसी इंसान के सामने वट दोइंग ऑन हेयर है भाई बोलते हो या नहीं इस सभी की सभी हमारे क्या है स्लैंग्स हैं ठीक है जी फाइन चलो आपने किसी इंसान के सामने जाकर कहा आपने किसी इंसान के सामने कहा ही राहुल ये 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 कुछ याद आया कुछ याद <laughs> है जी तो कभी कभी आप बोलने की कोशिश करते हुए इज अ चीटर ठीक है ना सर जय को जरा ब्लॉक करना हाँ 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 उड़ाओ फटाफट से ये जो लिख रहे हैं ना उल्टे सीधे कमेंट्स मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ वट हेल इज गोइंग ऑन हेयर यहाँ ये ज्यादा विज्ञानी बन रहे हैं हाँ इनको हटाओ ये बदतमीजी जो करते हैं हाँ भाई क्लियर है चलो अब इसको थोड़ा सा आगे देखने का हम काम करते हैं देखो लिखा हुआ है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हेयर ठीक है ना तो ये कह देना फ्रस्ट्रेशन की बात है फाइन ही इज अ चीटर ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है फाइन तो इसे ठीक ढंग से आप बताने का काम क्या करोगे सर चीट धोखेबाज की अगर हम बात करते हैं तो वो इंसान चीट है चीटर कहने से कोई इंसान चीटर नहीं बनता ठीक है ना ही इज अ चीट क्लियर है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं फाइन दुनिया भर के ऐसे स्लैंग्स हैं जो लोग बोलते हैं अक्सर और ऐसे बोलना बिल्कुल अपने आप में गलत हुआ ठीक है ना आपने कहा आई सो आ पिक पॉकेटर अब सर पिक पॉकेट होता है वो इंसान जो जेब काटता है ई आर लगाने से कोई नई खोज करने की जरूरत नहीं है ठीक है कोई बात नहीं जय कॉन्सेंट्रेट करो बेटा पढ़ाई पर दिमाग लगाओ बदतमीजियों पे मत जाया करो पढ़ने पर काम करो ठीक है ना तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे सामने पेपर में देखने को मिलती हम स्लैंग कहते हैं और स्लैंग का मतलब हमें समझ आता है नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड शब्द का ऐसा प्रयोग करना कि डिक्शनरी इसका कुछ और अर्थ बताए हम कुछ और अर्थ बना लेते हैं ठीक है ना इसी कैटेगरी में एक अगली चीज आती है हमारे सामने आओ अब इसके बारे में बात करते हैं ठीक है एक अगली बात से हम लोग मिलते हैं दोस्तों और इस अगली बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे हम कहते हैं सुपर फ्लॉस ठीक है इसे हम कहने का काम करते हैं सुपर फ्लॉस ठीक है ना जी अब सुपर फ्लॉस एक्सप्रेशन कई तरीके से एग्जामिनेशन ठीक है ना कई तरीके से एग्जामिनेशन पूछता है ठीक है जी फाइन आओ थोड़ा सा ध्यान से इसे देखने का काम करते हैं सुपर फ्लॉस एक्सप्रेशन का मतलब हमें समझ में आता है यूज ऑफ मोर देन Required. क्योंकि लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो इसीलिए इसके साथ हमें words कहना पड़ता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना किसी भी लैंग्वेज में ठीक नहीं होता ठीक है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना किसी भी लैंग्वेज में गलत होता है अगर मैं आपको कहूं कि मुझे गीला पानी पिलाओ आप कहोगे वाह वॉट अनाइस जोक मास्टर मैं अगर आपको कहूंगी मुझे गीला पानी पिलाओ आप कहोगे सर जब आपने पानी कह दिया तो गीला कहने की क्या सेंस है बात समझ में आ रही है ये तो अपने आप में एक तैयार हो गया ठीक है ना भाई साहब ये अपने आप में एक हो गया तो कोई भी चीज शब्दों में बड़े सटीक हो तो ज्यादा सेंसिबल है शब्द जरूरत से ज्यादा अगर यूज किए जाए तो वो मीनिंग को नॉन बना देता है ठीक है जी ठीक है भाई तो सुपर फ्लॉस कैटेगरी के, के ये जो शब्द हैं बच्चों सुपर फ्लोस कैटेगरी के ये जो शब्द हैं बच्चों इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है अब कैसे कैसे ये काम करते हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं चलो भाई हु? जैसे सुपर फ्लोस को समझने के लिए अगर मान लो छोटी छोटी बातें हम कहें वॉट इज योर गुड नेम अगर कहा जाए व्हाट इज योर गुड नेम तो यार एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है हर किसी इंसान का नाम अपने आप में अच्छा ही है या ना किसी इंसान के नाम में कोई अच्छा नहीं होता हर किसी का नाम अपने आप में अच्छा नाम है तो वॉट इज योर नेम इतना कह देना काफी है ठीक है ना किसी इंसान का नाम बुरा सोच के किसी ने रखा ही नहीं है क्या किसी क्या किसी के माँ बाप ने किसी का नाम बुरा सोच के रखा है मिलो मेरे बेटे राक्षस से ये मेरा बेटा राक्षस है ये इसकी बहन ये इसकी बहन माचिश जहाँ जाती है आग लगा देती है क्या कोई ऐसा कहता है नहीं हर किसी का नाम अपने आप में हर किसी का नाम अपने आप में अच्छा ही होता है है हाँ ना जी? चलो और कुछ बातें समझने का काम करते हैं जैसे अगर मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं यू कैन विन अ फ्री गिफ्ट अब आप इसे देखोगे ध्यान से समझ में आएगा कि भाई साहब गिफ्ट होता ही फ्री है कहने की जरूरत नहीं है मैं अगर कहने की कोशिश करूं आपके सामने भैया ये हमारे यहाँ की एक रेगुलर कस्टम है तो कहना ठीक होगा आप कहोगे सर कस्टम होती ही अपने आप में रेगुलर है हाँ या ना ठीक है अगर मैं कहूँ इसी जैसी बातचीत ये तो यार इस इंसान की रेगुलर हैबिट है अरे हैबिट होती ही वो चीज़ है जो आप बार बार करते हो ठीक है ना हैबिट होती ही वो चीज़ है जो बार बार करते हो बेटा कस्टम होती है सोसाइटी की ग्रुप ऑफ पीपल की ठीक है ना और हैबिट होती है किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी इंसान जो कोई काम करता है उसकी हैबिट है जैसे आप में से कई सारे बच्चों की हैबिट है क्लास में पढ़ते वक्त पानी पीना ठीक है ना पानी के अंदर कुछ मिलाकर पीना ठीक है फाइन ठीक है बेटा तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी हैबिट हो सकती है और जब बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है उसे आप कस्टम कहते हैं बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि क्लास में टीचर भले ही पढ़ाता रहे लेकिन अपनी बातें बकवासबाजी करते ही रहना है लिखते ही रहना है कमेंट मतलब पल्ले कुछ पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो लेकिन लिखते ही चले जाओ भाई साहब लिखते ही चले जाओ कि टीचर को इतना इरीटेट कर दो जब तक वो टीचर इस मतलब किसी बच्चे का नाम ना ले उसे ना तब तक मानेंगे नहीं खैर भगवान इनकी आत्मा को शांति दे ठीक है भाई आप लोगों ने देखा है लिखा हुआ मिलता है कई जगह पर सम टोटल अब बेटा सम टोटल दोनों एक ही बात होती है इन दोनों को एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है आप कभी कभी कोई चीज खरीदते हो तो खरीदने से पहले आप अपना बजट चेक करते हो पूछ लेते हो सामने वाले से भाई साहब इसका रफ एस्टीमेट बताना अरे भाई एस्टिमेट रफ ही होता है रफ कहने की जरूरत नहीं है फाइन रफ कहने की जरूरत नहीं है आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है पोस्टपोन अंटिल लेटर तो बताना जरा इस लिखे हुए मामले में क्या सुपरफ्लोस हुआ पोस्टपोन अंटिल लेटर हैं जी तो यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर समझेंगे हम लोग यहाँ अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम समझेंगे लोग तो ये बात समझ में आ जाती है बच्चों कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को लेटर की जरूरत नहीं है ठीक है ना बेटा चलो भाई यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों चलो भाई ऐसी और भी बातें हम समझना चाहें सीख सकते हैं जैसे अगर मैं कहता हूं एक छोटी सी बात अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज किसी भी इंसान के लिए जो सरप्राइज होता है बच्चों किसी भी इंसान के लिए सरप्राइज होता ही अनएक्सपेक्टेड है अनएक्सपेक्टेड कहने की जरूरत नहीं है कभी कभी कोई इंसान गलती करता है तो वो कह बैठता है अन मिस्टेक अब सोचने की बात यह कि गलती कोई सोचकर तो करता ही नहीं है हाँ ना गलती तो कोई सोचकर करता ही नहीं है गलती करने वाला इंसान जो भी है उसकी गलती बिना सोचे समझे ही होती है अब जैसे आर ई से जुड़े हुए शब्दों के अंदर हम कभी भी अगेन या बैक लगाना ठीक नहीं मानते क्योंकि री का मतलब ही अगेन या बैक होता है अब ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं जैसे अगर कहा जाए हमने कहा रिटर्न बैक गलत हुआ रिट्रीट बैक ठीक है ना ये सारे के सारे आपके सुपर फ्लॉस हैं ठीक है बच्चों तो ऐसे फ्लॉस एक्सप्रेशन को हम हमेशा गलत ही मानते हैं लैंग्वेज में इन्हें ठीक नहीं माना जाता ठीक है बच्चों तो मैं सोच रहा हूं कि आज के सफर को यहीं पर रोक दिया जाए और कल हमारी कोशिश रहेगी हम इस नाउन को कंप्लीट करेंगे ठीक है कल हम इस नाउन को कंप्लीट करेंगे और दोस्तों नाउन को कंप्लीट करने के तुरंत बाद नाउन को तुरंत कंप्लीट करने के बाद हम आगे चीज़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी की पी अपलोड कर दी गई हैं ठीक है अपनी पी को डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है बच्चों फिर सफ़र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं आज हमने जो भी पढ़ा है एक बार इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं ठीक है हमारे सामने सबसे पहले हम लोगों ने एक लॉजिक को समझने का काम किया कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो काम कैसे करते हैं एक ही नाउन को बार बार लिखने से क्या बिहेवियर बनता है फिर हम लोगों ने समझने का काम किया फ्रैक्शंस का एडवांस लेवल फ्रैक्शंस किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को अग्रीमेंट देती हैं ठीक है बच्चों ये हम लोगों ने समझने का काम किया इसके बाद हम लोगों ने देखने का काम किया कुछ उसी से मिलती जुलती प्रैक्टिस आगे हमारे सामने आते हैं नाउन no इक्वलेंट्स क्या होते हैं नाउन इक्वलेंट बनते कैसे इस बात को हमने समझा आगे हम चलते हैं तो हमारी कुछ वोकेबलरी का सेशन शुरू हुआ जिसमें हमने सबसे पहले स्लैंग का जिक्र लिया ठीक है सबसे पहले हमने स्लैंग का जिक्र लिया ठीक है बच्चों और उसके बाद हम देखने का काम करते हैं अगली बात हमारे सामने सुपर फ्लॉस को लेकर हमने थोड़ी सी बात की तो बच्चों आज के सफ़र को हम यहीं पर रोकने का काम करते हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप पॉज करके देख सकते हैं फाइन तो जितना अच्छे से आप पढ़ोगे भाई उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलता है और जिन लोगों ने जैसी तैयारी करनी है वैसे ही कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू वेरी मच गुड नाइट गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय एवरीवन गॉड ब्लेस यू